बंडेरा नई बस्ती में किसी जमाने पर जहाँ पर जहीन टॉकीज होती थी, उस जहीन टॉकीज के आसपास हमारे बंडेरा के 10 व्यापारी बंधुओं के दुकान है। जिन सालों से उस दुकान में वो बैठे व्यापार कर रहे हैं, उन्हीं दुकानों के आधार पर उनका गुजारा चलता था। किसी गुंडा किस्म के किसी बड़े व्यापारी ने उनके ऊपर कल हमला किया, उनके दुकानें तोड़ डाली, वहाँ बुलडोजर लगाया गया, बड़े बड़े बाउंसर लाए गए, और दुर्भाग्य ये है कि पुलिस ने भी उनको सहकार्य नहीं किया। पहले तो मैं इस गुंडागर्दी का निषेध करता हूँ और पुलिस को आह्वान करता हूँ कि पुलिस ने इस तरह से व्यापारी बंधुओं को रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सहकार्य करना चाहिए। मैं खुद भी बंडेरा के व्यापारी बंधुओं के साथ में हूँ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनके लड़ाई में मैं खुद उसमें मैं शामिल हूँ। कल सभी व्यापारी बंधुओं से मैंने मुलाकात की, आज सुबह भी मैंने व्यापारी बंधुओं से बंडेरा के सबके साथ मुलाकात की। सब मेरे हमारे परिवार में एक दुखद घटना घट गई। हमारा एक बहुत करीबी आप्त जो केवल 19 साल का हमारा भांजा था, एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया, तो हमारे पूरे परिवार पर एक बड़ा संकट है। इसके लिए मुझे आज नागपुर जाना पड़ा। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से बात कर नागपुर में आया हूँ। मैं आज लड़ाई में नहीं हूँ आपके साथ, वहाँ पर शरीर से नहीं हूँ, लेकिन मन से मैं आपके सबके साथ हूँ। आपको न्याय मिलने तक सभी बंडेरा के भाइयों को अपने को लड़ना है। इस गुंडागर्दी को हम अगर आज नहीं रोक पाए तो कल ये हमारा जीना हराम कर देंगे। पूरे गांव ने इसमें इकट्ठा आना चाहिए और इन व्यापारी बंधुओं को साथ देनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ में हूँ, यही वचन मैं आपको सबको देता हूँ। मैं वहाँ पर आज आपके लड़ाई में हाजिर नहीं हूँ, इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ।